फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो है हम अपनी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी माइक के हवाले से, उसको दूर करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट लाए हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगेगी। और इस प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं और इससे हमारे ब्लॉग्स में कितना फ़ायदा होगा और वॉइस क्वालिटी कितनी इम्प्रूव होगी हमारी, उसके लिए हम ये प्रोडक्ट लेके आए हैं। और ये प्रोडक्ट जो है सिंको LAVS 8, ये जो है जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज मार्केट के अंदर लॉन्च हुई हुई है माइक के हवाले से, तो उसमें जो है बोया का M1 माइक बहुत मशहूर है। काफ़ी लोगों को मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, वीडियोज़ देखी हैं, उसके अंदर जो है वो बोया जो है सब जो लोग स्टार्टअप करते हैं वॉइस के हवाले से, तो उन लोगों को मैंने बोया M1 माइक बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि वो लोग यूज़ कर रहे हैं। और कुछ कुछ लोगों ने तो 3-3 साल यूज़ किया और उसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि वो ख़राब नहीं हुआ। और अब ये है कि बोया के माइक जो हैं वो उसकी कॉपीज़ बहुत मार्केट में आई हुई हैं, जिसकी वजह से जो है मैंने ये जो है वो लिया है। अब ये है कि इसको हम टेस्ट करते हैं कि इसमें अभी बग़ैर माइक की आवाज़ आपको कैसे आ रही है और माइक के साथ कैसे आती है। अब ये हमने माइक लगा लिया है और माइक लगाने के बाद वॉइस क्वालिटी कैसी है ये आप लोग बताएंगे मुझे कि आप लोगों को मेरी बात कितनी समझ में आ रही है। और जो हमने ये माइक लिया है इसका बेसिक मकसद यही है कि आप तक हमारी वॉइस क्वालिटी जो है बेहतरीन किस्म से पहुंच सके और आपको मेरी बात समझ में आ सके। जो ये माइक लेने का मकसद यही है कि हमारी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से वॉइस क्वालिटी के साथ प्रिपेयर हो सकें। माइक लगाने के बाद वॉइस क्वालिटी कैसी है ये आप लोग मुझे बताएंगे। और इसके अंदर जो है जो नॉइज़ क्वालिटी जो है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड से आपको किसी किस्म की आवाज़ आ रही है, नॉइस आ रही है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है इस माइक, अब हम आपको जो है इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी दिखाएंगे और आप लोग जाके अनबॉक्सिंग की वीडियो देखें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो आपसे मिलते हैं। इसकी हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं माइक की। सबसे पहले हम जब इसको खोलते हैं तो एक कवर है, उस कवर के साथ जो है अंदर अभी हम देखते हैं कि और क्या है। सबसे पहले तो एक पाउच है, उसके बाद इसका यूज़र मैनुअल है, सिंपल सा लग रहा है, जो लोग पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कवर ओपन करते हैं तो उसके साथ उसके अंदर सबसे पहले हमें जो है एक इसके अंदर हमें एक क्लिप है, जो माइक क्लिप होता है कॉलर पे लगाने वाला। उसके अलावा एक फॉर्म है जो माइक के ऊपर कवर लगता है और एक सेल है जो इसके अंदर लगेगा। उसके बाद हम ये माइक की क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि माइक है कैसा। वायर्स तो उसकी अच्छी लग रही है मुझे और माइक की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है। और इसको हम लगा के भी देखते हैं, ये लग गया। और जो सेल दिया हुआ है वो सेल दिया हुआ है कि अगर हमें कोई प्रोफेशनल कैमरे के अंदर इस माइक को फिट करना हो तो हम उसको इस जगह पे हम यहाँ सेल लगा सकते हैं और सेल लगा के हम माइक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसे तो नॉर्मल मोबाइल से अगर आप व्लॉग कर बना रहे हैं तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर ये है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल कैमरे से लगा रहे हैं तो उसमें सेल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे तो क्वालिटी अच्छी लग रही है मुझे माइक की और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये अच्छा लगा। फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगी और वॉइस क्वालिटी आपको कुछ बेहतर लगी वीडियोस के अंदर तो मुझे बताइएगा ज़रूर। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इसी माइक के थ्रू आपको जो है ब्लॉग्स बना के दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।